अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं एक अरेबिक रेस्टोरेंट या उसको ढाबा भी कह सकती हो खाना खाने आया हुआ हूँ। तो ये है कि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था भाई इनका जो खाना जो है ना वो बहुत अच्छा होता है, और देखते हैं कि अभी अरेबिक डिशेस कौन सी हैं, इनका नाम क्या है। तो और इस ढाबे का नाम है बीबी कू शौकत। तो मैं आपको पहले सबसे पहले बाहर से दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसे नज़र आता है ये, और फिर अंदर चलते हैं देखते हैं कि वो मुझे वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं। तो ये तो अंदर जाके पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बाहर से दिखा दूँ कि बाहर से कैसे नज़र आता है ये। पहले तो बाहर से ये नज़ारा देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, मतलब बाहर से इसका नज़ारा है। और इसका नाम है बीबी कू शौकत। सो ज़्यादातर मतलब बारबेक्यू टाइप ही होगा। तो अंदर जा कर देखते हैं कि अंदर से कैसे नज़र आता है और इनका खाना कैसे है और कौन कौन से डिशेज़ हैं। है तो मुसलमानों का ही, अंदर से इस तरह नज़र आता है, ढाबा टाइप है माशाल्लाह। आया तो कुर्सी है वो भी लगी हुई है, वैसे ये खाना वगैरह। ये जो है ना बाग, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, बारबेक्यू, स्पेनिश फूड, इटालियन फूड, पिज़्ज़ा वगैरह। और सबसे इनका जो अरेबिक का मशहूर है वो है कबाब रोल, जिसको कबाब रोल भी कह सकते हैं, या कबाब थाल, मतलब कबाब प्लेट होती है, जो बहुत ही मशहूर है यहाँ स्पेशली यूरोप में। इनकी जहाँ भी आप अरेबिक जाओगे रेस्टोरेंट पे, आपको ये कबाब रोले और कबाब थाल ये तो लाजमी लाजमी मिलेगी आपको। दूसरा ये आप देख सकते हैं इनके खाने डिफरेंट हैं। तो देखते हैं अब मैं क्या इसमें सेलेक्ट। तो दोस्तों मैंने ऑर्डर किया है अभी जो है ना चिकन, जिसको मतलब होल चिकन रोस्ट और तबोल है। अब चिकन को मुझे पता है ये रोस्ट ही होगी, और लेकिन तबूला का मुझे नहीं पता इसमें क्या चीज़ है और किस तरह की है। तो ये अब मेरी नई डिश है, तो देखते हैं कि ये इसका क्या टेस्ट है और किस तरह का नज़र आता है। मैंने तो कभी खाया नहीं है, लेट्स सी। दोस्तों आधा तकरीबन घंटा लगा है, आधे घंटे के बाद खाना तो आ गया है, लेकिन आप देख के सरप्राइज़ होंगे, मैं खुद शॉक हो गया कि ये किस तरह नज़र आता है। आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त। चिकन जो है ना चाँप की तरह हमने बनाई हुई है, और राइस है, और रोटी है, ब्रेड, और फिर ये जो है ना बुला रखते हैं जब मैं खाता हूँ, और फिर आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, अब मैं खाता हूँ और बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। जो बड़े मज़े का सारे, इसमें सलाद वगैरह काटा हुआ सारा, खीरे वगैरह और टमाटर, बड़े मज़े का है।
मुझे नहीं लगता मैं सब कुछ खा सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है। चावल भी A1 बने हुए हैं ये ऐसे। चावल क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, बड़े बड़े चावल, मोटे मोटे चावल हैं और टेस्ट भी अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे जो है ना आग पे जो है ना रोस्ट किया हो। बाकी ये जो है ना आग पे बनाया गया जैसे लकड़ी के अंगारों पे रोस्ट किया होता है। दोस्तों खाना मैंने खा लिया लेकिन मुझसे ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा था और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जो मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाया था बिरयानी, वो उससे कई हिस्सा मतलब प्राइस कम है और खाना भी जो है वो बहुत ही टेस्टी और मुझसे ख़त्म भी नहीं हुआ। मैंने उसको बंदे को कहा है कि जो वो पैक कर दे, तो पैक भी कर दिया है। तो अगर किसी ने आना है, अगर ये बोल लेंगे या इस एरिया में रहता है और उसने आना है और ये वीडियो देख रहा है तो वो आके यहाँ खाना खा सकता है, डिनर कर सकता है। मैंने जिस तरह बताया है ज़्यादातर जो है ना बारबेक्यू टाइप खाना है लेकिन बहुत ही लो रेट्स में और बहुत ही टेस्टी है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इसका भाई रेटिंग क्या है, रिव्यू क्या है, तो मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ कि आप इसको 10 में से 8 तो लाजमी दे सकते हो। ओके दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।